हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक फिक्शन यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज इस वीडियोज़ के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप अपने विंडोज़ 10 को ऑटोमेटिक अपडेट होने से कैसे रोक सकते हैं। कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम आती है कि उनकी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगती है और वो कई बार उसको नेट से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उनका सारा डेटा खत्म हो जाता है विंडोज़ अपडेट होने के अंदर ही। या फिर जो आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, करंट वर्जन जो आपका चल रहा है वही यूज़ करना चाहते हैं, आपका कोई नया वर्जन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च में चले जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए सर्विसेज। ये सर्विसेज आ गया, इसको ओपन कर लीजिए। ये हमारी सर्विसेज ओपन हो गई और नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे चले जाइए आप विंडोज़ अपडेट में। इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाइए। अब यहाँ पे आप स्टार्टअप टाइप को कर दीजिए डिसेबल और यहाँ से कर दीजिए इसको स्टॉप। ओके, ये आपकी सर्विसेज स्टॉप हो चुकी। अब आपकी विंडोज़ 10 के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आएगा, आपकी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अगर आप इसको वापस से ऑन करना चाहते हैं तो वापस से सर्विसेज के अंदर आ जाइए, विंडोज़ अपडेट पे आ जाइए और वापस राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और स्टार्टअप टाइप को कर दीजिए ऑटोमेटिक और इसको कर दीजिए अप्लाई और यहाँ से इसको स्टार्ट भी कर दीजिए। ओके, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कैसे आप अपने विंडोज़ 10 को अपडेट होने से रोक सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।